ओके हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर अभी तक मैं आपके साथ 4 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स भी देखे होंगे। अगर हम आज के लेक्चर पे बात करें तो आज बनता है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर अगेन हमने काफी इंपॉर्टेंट बट काफी आसान से टॉपिक पे डिस्कशन लेना है, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकंपेनीड बाय अ डबल बॉन्ड शिफ्ट। ओके, अब देखो बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है। इसमें सबसे पहले आपने समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक अकंपेनीड बाय ये डबल बॉन्ड शिफ्ट का मतलब क्या है। इसके लिए आप एक रिएक्शन बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है, और इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो रूट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो दो मैकेनिज्म होते हैं। उन दोनों मैकेनिज्म को आपने यहाँ पर शो कर देना है बस। ओके, तो बहुत आसान सा लेक्चर रहने वाला है, आप जो सुनिएगा डेफिनेटली आपको क्लियर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जाम में आंसर भी आपने ऐसे ही रखना है। सबसे पहले एग्जाम में आप अपना आंसर ऐसे ही रखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकंपेनीड बाय डबल बॉन्ड शिफ्ट का मतलब क्या है। ओके, तो पहले समझा देती हूँ। देखो होता यह है कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड में, तो हम लोग क्या है, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी तक हमने डिस्कशन में ली, लेकिन अब अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड है, अगर मैं बोलूँ ये कोई एलाइलिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि जो एलिफेटिक कंपाउंड है ये कौन कोई एलाइलिक कंपाउंड है, यानी कि एलाइलिक नेचर का है। ओके, अब होता क्या है, जब भी आप इस टाइप के एलाइलिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, यानी कि एलाइलिक कंपाउंड में, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ही रीअरेंज प्रोडक्ट होता है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम, मतलब यहाँ पर जो हम रिएक्शन करा रहे हैं इस पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रही है और हमको एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकंपेनीड बाय ए डबल बॉन्ड शिफ्ट। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, ये बोल रहा है इफ द सबस्ट्रेट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एलाइलिक इन नेचर, यानी कि ये बोल रहा है आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहे हो और उसमें जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपको पता है एक एलिफेटिक कंपाउंड है और एलिफेटिक में भी पर्टिकुलरली वो एलाइलिक नेचर का है। ओके, यहाँ पर देखो एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, एलाइलिक नेचर का है तो फिर क्या होगा, तो ये बोल रहा है देन द फाइनल प्रोडक्ट मे अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट। तो ये बोल रहा है जब भी आप इस टाइप के एलाइलिक कंपाउंड में अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा जो कि किसके सिमिलर है, एलाइलिक रीअरेंजमेंट के सिमिलर है जो कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखी हुई है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमने एलाइलिक रीअरेंजमेंट पढ़ा था वही सेम एलाइलिक रीअरेंजमेंट आपको कहां देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलता है जब आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल क्या होता है, एलाइलिक नेचर का होता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकंपेनीड बाय अ डबल बॉन्ड शिफ्ट। क्लियर हुआ? तो नाम से समझ में आ रहा है डबल बॉन्ड शिफ्ट होने वाला है और डबल बॉन्ड शिफ्ट की वजह से हमको एक रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहा है। क्लियर? ओके, अब देखो रिएक्शन कैसे बनाइए। ये बोल रहा है सपोज कीजिए इनिशियली आपके पास आपका एलिफेटिक कंपाउंड था, यानी कि एलाइलिक कंपाउंड था। ओके, जिसमें एक्स यहाँ पर को आपको लिविंग ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो आपने रिएक्शन कंडीशन में अपना इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, तो हमको प्रोडक्ट में यही देखने को मिला कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है ये एज अ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इसने क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया। ओके, अब अप्रोच करने के बाद जो देखो आपको जो प्रोडक्ट मिल रखा है इसमें क्या है, वाई ने अप्रोच कर दिया, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच कर दिया, बाकी CH2 आपको as it is मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है। जो ये जो डबल बॉन्ड फर्स्टली कहाँ लगा हुआ था, अगर मैं इसे कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड एंड कार्बन थर्ड बोलूं, तो जो डबल बॉन्ड हमारा पहले कहाँ लगा था, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन में लगा था, अब वो कहाँ चला गया, सेकंड एंड थर्ड में चला गया, तो बाकी सारी चीजें तो एज इट इज रही, लेकिन डबल बॉन्ड की क्या हो गई, शिफ्टिंग हो गई जब आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखा गया, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकंपेनीड बाय डबल बॉन्ड शिफ्ट। ओके, अब ये कैसे हुआ इसको अगर रफली समझाना है तो मैं यहाँ भी आपको समझा सकती हूँ, बाकी मैकेनिज्म के थ्रू तो हम प्रॉपर देखेंगे। देखिए हुआ क्या होगा, सबसे पहले यहां से जब आप लिविंग ग्रुप को निकालेंगे तो आपको पता है लिविंग ग्रुप जैसे ही निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, तो ये कार्बन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमको पता है कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी कर नहीं सकता बिकॉज कार्बन तो एक पॉजिटिव एटम है, तो कार्बन क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, बॉन्ड में। तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये CH2 और CH के बीच में तो एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, लेकिन ये CH को अब आप देखेंगे इसकी वैलेंसी बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, देखो यहाँ से एक्स तो चला गया, ठीक है, तो ये CH2 तो ठीक है, ये कार्बन के बाद दो
हाइड्रोजन यहाँ है, दो डबल बॉन्ड यहाँ है, ये तो खुश है। लेकिन ये जो आपका सेकेंड वाला कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, और एक हाइड्रोजन के साथ भी इसने बॉन्ड बनाया, तो उसकी वैलेंसी तो 5 हो रही है ना। तो ये क्या करेगा, अपने 5 वैलेंसी को 4 में कन्वर्ट करने के लिए जो पुराना डबल बॉन्ड है इसे तोड़ेगा, और ये बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ऑब्वियसली बात है कार्बन की ओर टूटेगा। और कैसे टूटेगा, एज अ नेगेटिव चार्ज। और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज मिलेगी जिसमें हमारे पास CH2 नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। उसके बाद जाके आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इससे जाके अप्रोच करेगा और आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। देखो YCH2 से अप्रोच कर गया, नेक्स्ट में CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमको कुछ इस टाइप के रिएक्शन देखने को मिले। काम आपने सेम किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही किया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के टाइम पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग भी देखने को मिली, बिकॉज आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस टाइप का था, एलाइलिक नेचर का था, सिंपल सी बात, क्लियर ना। अब आगे बात करते हैं, अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म, इसके रूट की बात करें, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है देयर आर टू मेन रूट फॉर दिस बिहेवियर टू अकर। ये बोल रहा है अगर आप एलाइलिक रीअरेंजमेंट देखना चाहते हैं जब भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो रूट मिलते हैं। ओके, अब दोनों बहुत आसान है आप जिस सुनिएगा, और इन दोनों रूट की तरह हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो पहला रूट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वन इज द एनालॉगस टू द SE1 पाथवे। ये बोल रहा है जो पहला आपका रूट है वो किसके सिमिलर है, SE1 पाथवे के सिमिलर है। अब देखिए SE1 पाथवे में क्या होता है, सबको पता है हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा SE1 पाथवे में, सबसे पहले हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है इसे हम लोग डिटैच करते हैं, यानी कि इसे बाहर निकालते हैं, और जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा L पॉजिटिव के फॉर्म में, तो हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एज अ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोएनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं ना। अब ये कार्बोएनायन सेकंड स्टेप में क्या करता है, किससे अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोफाइल से अप्रोच करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल से अप्रोच करने के बाद हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये बोला जो पहला रूट आप देखने वाले हैं वो कौन सा है, होने वाला है SE1 पाथवे होने वाला है, जिसमें हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो यही चीज बोलेगा, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें जो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है उसको सबसे पहले आप डिटैच करेंगे, और जैसे ही डिटैच करेंगे तो आपको एक इंटरमीडिएट ऑप्टेन होगा विच इज कार्बोएनायन। ओके, अब यहाँ पे जो आपको कार्बोएनायन ऑप्टेन होगा ना, वो एक टाइप का एलाइलिक कार्बोएनायन होगा, जिसकी वजह से आपको उसके रेजोनेटिंग फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारा कार्बोएनायन है ये तो सबको क्लियर है, लेकिन एलाइलिक कार्बोएनायन मतलब कि हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड भी होगा, बिकॉज एलाइलिक ग्रुप भी तो है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को कभी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा होगा तो ये अपने रेजोनेटिंग फॉर्म में भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि ये जो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा वो आपका एक टाइप का एलाइलिक कार्बोएनायन होगा, और एलाइलिक कार्बोएनायन होने की वजह से ये अपने रेजोनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस पर जाके आपका अगले स्टेप में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पहला रूट है अगर आप ये सेम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो। ओके, अब इस रूट को हम लोग नीचे डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। अब दूसरा रूट क्या है, ये बोला दूसरा इसी का उल्टा है, जैसे यहाँ पे हमने लिविंग ग्रुप को पहले निकाला था, अगले स्टेप में अगले रूट में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को पहले अप्रोच करेंगे। तो बोला सेकंड वन इन्वॉल्व द इनिशियल अटैक ऑफ है इलेक्ट्रोफाइल, ये बोला दूसरे स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा। आप बोलेंगे अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कहां करेगा, देखिए आपको पता है आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक टाइप का एलाइलिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमको पता है डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ओके, अब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है। अब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज तो अप्रोच कर सकती है, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके जो एलाइलिक कंपाउंड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इसमें आपका इनिशियल फर्स्ट स्टेप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, और इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करने की वजह से आपको एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन मिलता है विच इज कार्बोकेटाइन, यानी कि सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोएनायन मिला था, यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा। उसके बाद जाके जब आपका कार्बोकेटाइन बनेगा इससे आप अपने लिविंग ग्रुप को निकालोगे, ये जो आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला है इसमें जो लिविंग ग्रुप, इसमें एक लिविंग ग्रुप भी तो प्रेजेंट होगा ना, इसमें जो लिविंग ग्रुप है इसे आप एलिमिनेट करोगे, और जैसे एलिमिनेट करोगे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप भी बहुत आसान है, इसमें आपने क्या करना है, पहले लिविंग ग्रुप का आपको निकालने के बजाय पहले इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच कराना, और इलेक्ट्रोफाइल कहां अप्रोच करेगा, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो एलाइलिक यानी कि जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वहां अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से हमको इंटरमीडिएट जल यहां कार्बोएनायन मिला था, यहां कार्बोकेटायन मिलेगा। इस कार्बोकेटायन से जैसे आप लिविंग ग्रुप यानी कि एक्स को निकालेंगे वैसे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि एल्कीन यूनिट आपको मिल जाएगी। तो ये दो रूट को आपने फॉलो करना है,
अगर आप ये सेम मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं ओके okay? अब ये दोनों रूट को हम लोग यहाँ बाय मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो पहला रूट आपका क्या है, बेस कैटलाइज डबल बॉन्ड माइग्रेशन ओके। अब बहुत आसान है, सुनिएगा, बेस कैटलाइज डबल बॉन्ड माइग्रेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड माइग्रेशन यानी कि डबल बॉन्ड शिफ्टिंग कर रहे हैं, एलाइलिक रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बेस की हेल्प से कर रहे हैं, बेस को एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं ओके okay? तो होगा क्या, देखो आपने कुछ नहीं करना, ना कुछ चीज जोड़नी है, ना कुछ चीज आपने निकालनी है ठीक है। आपने यहाँ पर को क्या करना है, कैटलिस्ट का यूज करना है, और आपको पता है कैटलिस्ट क्या करेगा, बस रिएक्शन की हेल्प करेगा। जैसा बेस आपने इनिशियली डाला था वैसा ही बेस आपका लास्ट में निकल भी जाएगा, बिकॉज़ बेस यहां पे एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और इसी की हेल्प से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि आपके जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन में रिप्लेस होंगे, रीअरेंज होगा, और कुछ नहीं होगा, ना कुछ आपने ऐड करना है, ना कुछ आपने निकालना है ओके। अब ये जो बेस कैटलाइज डबल बॉन्ड माइग्रेशन है, ये आपका पहला रूट है ओके, फर्स्ट रूट है ओके। अब देखो पहले ये रूट क्या कर रहा है उसको मैं आपको समझा देती हूं, उसके बाद हम लोग थ्योरी पे चलेंगे ठीक है। पहले आप रिएक्शन देख लीजिए, तो देखो रिएक्शन भी बहुत आसान है, आप जिस सुनेगा तो देखो ये रिएक्शन में क्या बोल रहा है, बेस कैटलाइज रिएक्शन अगर आप कर रहे हैं तो रिएक्शन कंडीशन में सबसे पहले क्या लेंगे आप, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच इज एलाइलिक कंपाउंड। रिएक्शन कंडीशन में इसके साथ आपने क्या डाला, अपना बेस, बिकॉज बेस यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ओके। अब कैसे काम करेगा पहले आप वो समझो, सबको पता है बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कौन सी पोजिशन से करेगा, एलाइलिक कार्बन से। तो ये हमारा एलाइलिक कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले इस हाइड्रोजन का यहां से एब्स्ट्रैक्शन करेगा, और आपको पता है जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकलेगा, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा ओके। तो हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन कंडीशन में कार्बो एनायन हमको ऑब्टेन हुआ, और बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BH पॉजिटिव। BH पॉजिटिव क्यों, बिकॉज देखो बेस के पास अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस में डोनेट कर दिया, बॉन्ड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसने बोला जो मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखता हूं, एक हाइड्रोजन को दे देता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग होगी वैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया बेस और हाइड्रोजन के बीच में, लेकिन अब बेस को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगेगी, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और ये BH पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमको हमारी कौन सी स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी, कार्बो एनायन। तो देखो मिल गया कार्बो एनायन। तो यही चीज तो हमने बोली थी, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें से पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा। अब लिविंग ग्रुप आपका क्या है, H पॉजिटिव आयन ही तो है, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, इसको हमने निकाला, और इस लिविंग ग्रुप के एलिमिनेशन के बाद हमको हमारा इंटरमीडिएट मिला विच इज कार्बो एनायन। लेकिन ये कार्बो एनायन एलाइलिक कार्बो एनायन है, जिसकी वजह से ये अपने रेजोनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब देखो ये एलाइलिक कार्बो एनायन है बिकॉज इस कार्बो एनायन के नेक्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एक टाइप का एलाइलिक कार्बो एनायन है। अब इस एलाइलिक कार्बो एनायन का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो हमको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, बॉन्ड में, बिकॉज कार्बन एक पॉजिटिव एटम है, ये अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाने का पूरा ट्राई करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसे कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड में, और अगर यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये देखो ये कार्बन तो खुश है लेकिन इस कार्बन को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज इसकी वैलेंसी बढ़ गई है 5, दो बॉन्ड यहाँ से, दो बॉन्ड यहाँ से, एक हाइड्रोजन के साथ से। तो ये क्या करेगा, अपनी 5 वैलेंसी को अगेन 4 में कन्वर्ट करने के लिए अपना पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो देखो ये तो नया बॉन्ड है, पुराना बॉन्ड क्या है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ है, तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वीकर होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो किसके ऊपर टूटेगा, कार्बन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज, तो हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन हो जाएगी। देखिए इससे हटा के दिखाऊं तो हमको कुछ, देखो ये भी चले जाएंगे, कुछ इस टाइप के स्पीसीज ऑप्टेन होगी, मिली ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव ओके। तो हमको क्या है, कार्बो एनायन ऑप्टेन हुआ, एलाइलिक कार्बो एनायन ऑप्टेन हो गया जो कि अपने रेजोनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर हुआ ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बो एनायन होगा उसको हम उठाएंगे ठीक है। तो हमने हमारा इंटरमीडिएट स्टेज में जो हमारा ज्यादा प्रेफर करने वाला कार्बो एनायन है उसका रेजोनेटिंग फॉर्म हमने लिया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना था, हमारे इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच, बिकॉज पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप को निकाला, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा, तो देखो मैंने क्या बोला, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बाहर से कुछ ऐड नहीं करना, आपने जस्ट रीअरेंज करना है। तो कहां से आएगा इलेक्ट्रोफाइल, देखिए ये जो बेस आपका हाइड्रोजन को ले गया था, ये बेस क्या है, कैटलिस्ट है, ये अपना वापस से अपने बी बेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये बेस के फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा, बिकॉज ये कैटलिस्ट है, तो ये अपने आप से हाइड्रोजन पॉजिटिव को निकालेगा। अब ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से निकला है, ये ही एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो हमने बाहर से कुछ नहीं लाना, बिकॉज ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, आपने बेस से ही लिविंग ग्रुप को निकाला
निकाला, अब बेस से ही आप इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अप्रोच कहाँ करेगा, नेगेटिव सेंटर पे। जैसे इसे नेगेटिव सेंटर मिला यहाँ पे इसने अप्रोच कर दिया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो हमको क्या है, ये आपको रीअरेंज स्पीसीज देखने को मिल रही है अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसी का देखो रीअरेंज प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ओके। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, जिस वजह से हम इसे ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, बिकॉज जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वही एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होती है। तो ये हमारी पहली मैकेनिज्म थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, बेस की हेल्प लेते हुए रिएक्शन को कराया। और कौन से मैकेनिज्म को यहाँ हमने फॉलो किया है, SE1 मैकेनिज्म को हमने यहाँ पे फॉलो किया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो SE1 पाथवे को हमने यहाँ पे फॉलो किया, क्लियर। दूसरे मैकेनिज्म के साथ अगर देखो इसकी थ्योरी भी बता देती हूँ, थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, आसान है, वैसे भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये बोला द फर्स्ट पाथवे इज अ बेस कैटेलाइज्ड डबल बॉन्ड माइग्रेशन। तो पहला जो पाथवे है जो हमने SE1 पाथवे पढ़ा, ये हमारा क्या है, एक टाइप का बेस कैटेलाइज्ड डबल बॉन्ड माइग्रेशन है। इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, ये बोला वेयर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अ आइसोमर इज ऑब्टेन। यहाँ पे हमको क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइसोमर ऑब्टेन होते हैं, और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइसोमर में से भी हमारा मेजर प्रोडक्ट वो होता है जो आपका ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज हमको तो मिक्सचर मिला था, मिक्सचर में आपका मेजर भी होगा माइनर भी होगा, हम मेजर इसको कंसिडर करेंगे जो आपका ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगेशन में प्रेजेंट होगा। ये जो स्पीसीज हमको ऑब्टेन हुई है ये आपके ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगेशन में प्रेजेंट हुई, यानी कि थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, और थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होने की वैसे हम इसे मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज़ जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी वही तो आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी। तो ये चीज इसने यहां पे बताई हुई है। बाकी ये बोल रहा है ये जो आपके बेस कैटेलाइज मैकेनिज्म है ये आपके दो स्टेप की रिएक्शन है, जिसमें वही चीज बोला है, जिसमें पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होता है बाय द बेस, बिकॉज़ रिएक्शन कंडीशन है बेस एज अ कैटेलिस्ट है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा, और H पॉजिटिव आयन का बाहर निकलना मतलब लिविंग ग्रुप का एलिमिनेट होना। और जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो आपको आपका इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा कार्बोएनायन, और ये कार्बोएनायन एक टाइप का एलाइलिक कार्बोएनायन है, तो आपको इसके रेजोनेटिंग फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। और जो ज्यादा प्रेफरेबल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगेन अब हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोटोन है, बिकॉज ये ही एच पॉजिटिव आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह अप्रोच कर रहा है। और अप्रोच करने के बाद फाइनली हमको हमारा मोर स्टेबल स्पीसीज एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, यानी कि हमको हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात, ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो ये हमारी पहली मैकेनिज्म थी, ठीक है। अब दूसरे मैकेनिज्म पे चले तो दूसरी हमारी एसिड कैटेलाइज, जो कि बहुत आसान है, जैसे हमने बेस का काम किया था वैसे हम एसिड का करेंगे। हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपने एसिड का यूज करना है एज अ कैटेलिस्ट, बाकी कुछ नहीं करना, उसके अलावा सारी चीजें आपकी वही है, आपने जस्ट डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन करना है, ओके। अब देखो होता क्या है, तो इसकी थ्योरी अगर मैं बताऊं तो ये बोले सेकंड पाथवे इज एसिड कैटेलाइज डबल बॉन्ड माइग्रेशन, वेयर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइसोमर इज ऑब्टेन विद अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट। वही बोल रहा है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइसोमर देखने को मिलेगा, बट उस मिक्सचर ऑफ आइसोमर में से आप उस प्रोडक्ट को, उस स्पीसीज को, उस आइसोमर को आप मेजर बोलेंगे जो आपके स्टेबल कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट होगी, ओके। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है, तो ये बोला था रिएक्शन इनिशिएट विद द अटैक ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने यहाँ पे बोला था। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है हमारे पाई बॉन्ड में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में, जिसकी वजह से हमको जो इंटरमीडिएट मिलता है वो आपका कार्बोएनायन होता है, और उस कार्बोएनायन में से फिर हमारा एक्स यानी कि लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है और एल्कीन यूनिट एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। अब इसी को यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है, ये बोल रहा है इनिशियली हमारे पास हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप था, ओके। अब इस अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराया, बिकॉज एसिड एज अ कैटलिस्ट के काम कर रहा है, एसिड यानी कि एच पॉजिटिव आयन, ओके। अब ये एच पॉजिटिव आयन क्या करेगा, हमको पता है यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल पहले मिल रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अप्रोच करेगा, कहाँ करेगा, नेगेटिव सेंटर में, आपको नेगेटिव सेंटर कहीं मिल रहा है, तो देखो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यानी कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे हमारा एच पॉजिटिव आयन अप्रोच कर सकता है। अब कहाँ पे अप्रोच करेगा, देखो एच पॉजिटिव आयन ऐसे अप्रोच कर सकता है, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड दोनों तरह टूट सकता है। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एच पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके अप्रोच करेगा और हमको कुछ इस टाइप की स्पीसीज ऑब्टेन होगी, यानी कि कुछ इस टाइप का कार्बो कैटायन ऑब्टेन होगा एज अ इंटरमीडिएट, ओके। लेकिन ये भी चांसेस है कि हम इस बॉन्ड को यहाँ को तोड़ने के बजाय यहाँ को तोड़ दें, यानी कि इस बॉन्ड को इस कार्बन की ओर तोड़ने के बजाय इस कार्बन की ओर तोड़ दें। अगर यहाँ टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ये हाइड्रोजन कहाँ अप्रोच करेगा, यहाँ पे, और हमको पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे, ओके। लेकिन हमने क्या प्रेफर किया है कि बॉन्ड हमारा इस, यानी कि ये जो अल्फा कार्बन, अगर मैं इसे बोलूं तो इस अल्फा कार्बन की ओर टूटे, क्यों,
क्योंकि हमको यहाँ पर जो इंटरमीडिएट मिल रहा है यानी कि कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो हम लोग ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर बनता है तो हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसे तो आप खुद से कर सकते हैं ना, ये मैं खोल के पूरा दिखा नहीं रही हूँ। मतलब आपने इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट मिल रहा है वो आपका स्टेबल हो, इस तरीके से आपने बॉन्ड की क्लीविज करनी है। तो बॉन्ड को हमने कुछ स्टेप से तोड़ा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन ने आपका यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ने आपका यहाँ पे अप्रोच किया, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अप्रोच किया तो हमको कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट मिला, और इसको हमने ज्यादा प्रेफर किया बिकॉज ये आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ओके, अब जो कार्बोकेटाइन मिला हुआ है इस पे अब हमने क्या करना बोला, लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करना। अब लिविंग ग्रुप कहां से एलिमिनेट होगा, तो हमको पता है कार्बन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक नेगेटिव सेंटर को ढूंढेगा, डबल बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो हम क्या देखेंगे, ये जो आपका सीएच टू ग्रुप है ये क्या करेगा, अपने से हाइड्रोजन को निकाल सकता है। जैसे ही एच पॉजिटिव आयन को यहाँ से बाहर निकालेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हमको क्या कुछ इस टाइप के स्पीसीज ऑब्टेन होगी। तो देखो हमारी जो स्पीसीज है, और देखो एच पॉजिटिव आयन जैसे बाहर निकला तो हमारा जो एसिड हमने रिएक्शन कंडीशन में लिया था वो हमको बाहर निकल गया, बिकॉज एसिड तो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करना है। तो जितना एसिड आपने इनिशियली लिया था उतना एसिड ही आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ही सिमिलर है बट रीअरेंज फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका, मतलब ये वाली जो स्पीसीज है वो आपकी ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल रही है। ओके, तो बस यही चीज आपने यहाँ पे शो करनी थी, एक एसिड कैटलाइज रिएक्शन थी, एक बेस कैटलाइज रिएक्शन थी। ओके, तो होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।